हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एवरेज। इसमें हम पार्ट वन देखेंगे, इसमें हम बेसिक नॉलेज देखेंगे एवरेज के बारे में कि एवरेज क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एवरेज को समझने के लिए। ये क्रिकेटर है, ठीक है। उसने पहले मैच में 80 रन मारता है, दूसरे में 75, तीसरे में 80 और फिर ये चौथे में 75 मारता है, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होगा, जिसे हम हिंदी बोलते हैं औसत, कि इसका औसत कितना होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इसका सम चाहिए हमें, तो पहले सम कर लेते हैं कितना हुआ। 16 60 150, तो हो जाएगा ये 310, ठीक है। नंबर वैल्यू कितना है, 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 77.5। तो ये एक देख रहे हैं कि सिंगल वैल्यू में से रिप्रेजेंट किए। अब जो सिंगल इस पूरे ग्रुप को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करिए तो उसे बोलते हैं एवरेज, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिस है इन फॉर्मूले पे, मतलब कि इन्हें सिंप्लीफाई किया है, डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आते ही नहीं एग्ज़ाम में, करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, इसे सिंप्लीफाई करना थोड़ा। तो देख सकते हैं, इसे लिखते हैं ए इजकल टू एस अपॉन एन, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। तो ए क्या है, यहाँ पर ये टोटल लिख लेते हैं, ये टोटल ही तो कर रहे हैं हम। तो अगर हमें टोटल आइडेंटिफाई करना तो कैसे करेंगे, ए इंटू एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ लेते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं जो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अ मैन हैड 7 चिल्ड्रेन, एक आदमी के 7 बच्चे होते हैं जिसमें उन बच्चों का एवरेज होता है 12 साल। उसमें से एक जो एक चिल्ड्रन होता है चाइल्ड होता है उसकी उम्र 6 साल होती है और वो खो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि जो बाकी 6 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना होगा। तो पहले तो क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। अब जैसे देखते हैं, पहले चल गया नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, तो ये 7 है, ठीक है, और उनका एवरेज दे रखा है, मतलब एन दे रखा है, ए दे रखा है 12। तो हमें टी निकालना है, अभी के लिए टी निकालना है, क्योंकि अगर टी निकालेंगे, ठीक है, टोटल कुछ आ गया वैल्यू, उसमें से 6 साल का बच्चा है तो 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे समझते हैं कि अगर टोटल कुछ आया उसमें से 6 माइनस कर दिए तो जो बचे जो इसमें से बचे वो रेस्ट 6 के एवरेज बचेगा ना, तो वही एवरेज हमें निकालना है। टोटल 6 का टोटल बचेगा तो उसका एवरेज 6 से डिवाइड करके निकलेगा। चलिए क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ पहले। तो टोटल कैसे निकलेगा, अब जैसे बताइए ए इजकल टू एन टी अपॉन एन, ठीक है, तो इन दोनों का इंटू होगा, तो 12 इंटू 7 कितना हो गया, 84, ठीक है। अब 84 में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये कितना बचेगा, ये हो गया 78। अब जो 78 आया वो टोटल हुआ 6 बच्चों का। अब एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है वही बताया, टी अपॉन एन, टोटल 78 हैगा ही और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 हैं, तो इसको जो काटेंगे तो बचेगा 13। तो ये आया हमारा एवरेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड द लास्ट 3 इज 16। आप जैसे पहले 4 नंबर हैं तो पहले से नाम के ज़रिए समझते हैं, जैसे ए बी सी और ये डी है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मतलब पहले 3 का एवरेज कितना दे रखा है, 15, ठीक है, और लास्ट 3 का मतलब ये इसका 16 दे रखा है। इफ़ द लास्ट नंबर इज 19 और हमें ये भी बता रखा है कि ये डी 19 है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो ये कितना होगा।
तो इनका पहले ये एवरेज दे रखा है, टोटल कैसे करते हैं, इंटू थ्री करेंगे 45 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का टोटल 45 प्लस ये 19, तो क्या आ गया 64, ठीक है। अब ये पूछ रखा है ये, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 16 एवरेज इसका दे रखा है, इसका इंटू थ्री करेंगे 48 आ गया, तो इनका और इनका माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16, करके देखिएगा। अब ये 16 बचा, तो ये हो गया, एक ही वैल्यू बचेगी ना, क्योंकि ये तीन तो खुद का यही हो गई क्या, और बाकी जो बचा टोटल में से तो ये बचेगा 16, तो ये आ गया एक ही वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 14, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेस्ट। कह रखा है 12 रिजल्ट आए किसी भी चीज़ का, उसका 15 एवरेज आया, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 14, मतलब कैसे करते हैं, ए से लेके ए बी डैश 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 एल तक गया, ठीक है, ये 12 होता है, ये आप भी याद कर लीजिएगा, इसे ए वन बी टू सिमिलरली एल 12 तक आता है, तो ये 12 तक गया, उसमें से बोल रहा है कि इनका जो एवरेज आया है वो 15 आया है, ठीक है, और जो शुरू के दो हैं फर्स्ट टू, मतलब ये देखना ज़रूरी है कि टू कहाँ का है, फर्स्ट टू है, मतलब ये यहाँ पर आया 14, तो ये एवरेज है, एवरेज में क्या करेंगे, टू से इंटू करेंगे, क्योंकि अभी बताया हूँ कि एवरेज इक्वल टू टी अपॉन एन, नंबर इंटू एवरेज, तो आ गया टोटल क्या आ जाएगा 28, ठीक है। अभी कर लेंगे, अब जैसे ये 12 रिजल्ट आए और उसमें से एवरेज आया 15, तो 12 का इंटू करेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक है 1 1 1 10 5 6 7 8, तो 180 आ गया, ठीक है। अब 180 क्या है, ये टोटल आया है, अब टोटल में से शुरू के दो बता दिए गए हैं कि 28 है, तो ये देखते हैं इनमें से ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 180 में से गया तो 152 बच गया। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो याद आप खुद ही कर सकते हैं, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो ये 152 आया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से दो माइनस कर दिया, मतलब ये जो 12 थे अब ये 10 हो गए हैं, हमें एवरेज निकालना है, तो इन 10 लोगों का टोटल हो गया है, 10 लोगों का टोटल 152 है, तो इसका एवरेज कितना होगा, 152 अपॉन 10, तो 15.2, ये डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ गया एवरेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ अ कॉलेज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों का दे रखा है एवरेज, 325 है, और फोर्थ डे फर्स्ट फोर डे का दे रखा है 320, हाउ मनी वेयर प्रेजेंट इन द फोर्थ डे, तो फोर्थ डे कितना प्रेजेंट होगा, फर्स्ट 3 डे मतलब कि ए बी सी, इन 3 दिन का दे रखा है 325, ठीक है, और ए बी सी डी का दे रखा है एवरेज 320, टोटल कैसे निकालेंगे, सेम 3 से इंटू कर देंगे 3 है और से 4 से, इनका टोटल निकल जाएगा, इसका टोटल निकल जाएगा, अब जो इसका टोटल निकलेगा इसमें से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगा 430 का, ये तो क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं, इसको इंटू करते हैं, अच्छा 15 बाद 1 7 और 975 और आ जाएगा 0812, ठीक है 503, मतलब आंसर क्या है 305, ये आ गया 430 का अटेंडेंस आ गया कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो ये उस दिन का क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्रिकेटर हैज स्कोर 58 रन्स इन 9 इनिंग्स, 9 इनिंग्स में वो 58 रन मार रहा है,
फाइंड आउट हाउ मैनी रन आर स्कोर इन द टेंथ इनिंग टू द राइज टू मीन 61। चलिए देखते हैं इसमें क्या रखा है कि 9 इनिंग का एवरेज दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है 58 रन हो गया, और ये बोल रहा है कि इसका एवरेज टेंथ जब टेंथ इनिंग खेला उसमें 61 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला मैच हो गया उसमें 10 रन मारे, दूसरा मैच हो गया उसमें 10 रन मारे, तीसरा मैच हो गया उसमें 10 रन मारे, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, 10 बनेगा। अगर हम आइडियली माने कि इसने 9 इनिंग में, जो 9 इनिंग है 1 से लेकर 2 तक 9 तक 58 रन माने, तभी तो इसका जाके एवरेज 58 बना। लेकिन 61 कैसे बन गया जब, मतलब कि ये जो 10वां मैच है उसमें स्कोर 58 से एवर भी किया होगा, तो कितना किया होगा चलिए निकालते हैं। इसके दो तरीके हैं, तो आज पहले तरीके हम देखेंगे। पहले 9 मैच में इसने 58 रन मारे, तो इसका प्लस ऐड इनटू करते हैं, ये हो गया ठीक है। अब ये 10वें मैच में 61 हो गया, मतलब 10 मैच ऐसा हुआ एवरेज ये बना कि पहले मैच में 61 मारा होगा, दूसरे में 61, ऐसे करते करते ये 10वें मैच तक 61 गया होगा। तो मतलब इस टाइम पे हम 10 इंटू 61 करेंगे तो हो गया 610, ठीक है। अब 9वें मैच में 58 रन मारा, 10वें मैच में 61, ये कंसिडर किए हैं, तो टोटल जो बना इतना और इतना, तो इसके बीच का जो गैप आया वो जो आया वो हुआ 10th मैच का स्कोर, तो कितना होगा, ये होगा 88, ठीक है। जिसने 10th मैच में कितना मारा, 88 रन मारे उसने, ठीक है। तो ये पार्ट वन था आज। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको कोई एवरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।